दोस्तों आप सब कैसे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं यह बताया हूं कि किस प्रकार से न्यू यूट्यूब चैनल का सही सेटिंग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बहुत कुछ बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, भगा भगा के मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी बहुत कुछ समझ में आएगा, और भगा भगा के देखिएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत करता हूँ अमित कुमार के एक नए वीडियो पर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों और मोबाइल के स्क्रीन पे आते ही दोस्तों क्या करना है आपको कि फटाफट क्रोम ब्राउजर्स ओपन करना है। दोस्तों क्रोम ब्राउजर्स याद कर लीजिए दोस्तों, दूसरा कोई ब्राउजर्स नहीं, क्रोम ब्राउजर्स से ही आपका यूट्यूब चैनल का बढ़िया से सेटिंग हो पाएगा दोस्तों, जो मैनेजेबल ही सेटिंग होता है और ज़्यादा ऑप्शन जहाँ पर मिलता है वो क्रोम ब्राउजर्स ही है, दूसरा कोई ब्राउजर्स नहीं है। तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर्स ओपन करना है। दोस्तों वहाँ पे टाइप करना है youtubestudio.com और टाइप करके दोस्तों डेस्कटॉप साइड डाउन करके दोस्तों यहाँ पे आ जाना है। जैसे कि मैं इस प्रकार से आ गया हूँ दोस्तों, तो आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद से जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ कॉर्नर में नीचे की ओर देखिएगा सेटिंग्स का आइकन है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा इस पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो देखिएगा इस प्रकार से कुछ खुल के आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर US डॉलर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा सेकंड वाले नंबर पे चैनल लिखा हुआ है, तो चैनल पे मैं करता हूँ क्लिक। तो चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ऊपर में दोस्तों आप देखिएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे एडवांस सेटिंग और यहाँ पे फ्यूचर इनेबिलिटी। तो दोस्तों यही कुछ सेटिंग है जो यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि आप इसको कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपका माइंड में से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि मेरा वीडियो तो सही है लेकिन मेरा वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों ये सब सेटिंग कर लीजिए, यूट्यूब को बताने पड़ता है कि आपका सेटिंग सही तरीके से होगा। दोस्तों यूट्यूब को बताइएगा कि आपका वीडियो का कंटेंट कैसा है, किस क्वालिटी का वीडियो बनाते हैं, किस लोगों के लिए बनाते हैं, ताकि उसी तक यूट्यूब पहुँचाए। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़िया तरीका से सेटिंग्स कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं किया हुआ हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिएगा यहाँ पे कीवर्ड है लिखा हुआ, अपना चैनल का मैं उल्टा सीधा नाम लिखा हूँ, उसी प्रकार से आप भी लिख लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार से भी लोग आपको सर्च करें उल्टा सीधा तो उन तक आप पहुँच पाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन पर आ जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स पर। एडवांस सेटिंग्स पर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि देखिएगा ऑप्शन से ये यस या नो, यस या नो दोनों में से आपको दोस्तों हमेशा नो ही चूज करना है, यस कभी मत चूज करिएगा। अगर यस चूज करते हैं तो आपका वीडियो बच्चा के लिए हो जाता है, और दोस्तों अगर नो चूज करते हैं तो ये वीडियो 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए होता है। तो दोस्तों आप नो चूज करिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर इनेबिलिटी में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तीनों इनेबल है, हरा हरा है, तीनों इनेबल हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका इनेबल नहीं दिखा रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। आप नहीं जानते हैं कि मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से देख के आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेव कर देना है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्लोज के बगल में सेव का ऑप्शन से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों ये वाला सेटिंग्स जो है न्यू यूट्यूब चैनल का वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों सही तरीका से डिस्क्रिप्शंस भी मैनेज करना होगा दोस्तों। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शंस लिखने का सही तरीका बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ क्रोम ब्राउजर से अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और दोस्तों यहाँ पर से मैं आपको बताऊँगा कि सही डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं अपना ही एक वीडियो को आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिस्क्रिप्शंस लिखा जाता है, ताकि आप समझ पाएंगे, और समझने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आप अपना उसी प्रकार से वीडियो में लिख पाएंगे। तो दोस्तों फटाफट दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शंस कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया, और ओपन करके दोस्तों मैं कोई वीडियो अपना ले लिया हूँ, और ले कर दोस्तों यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए कैसे डिस्क्रिप्शन में मैनेज करता हूँ अपने चैनल को। तो देखिए दोस्तों इस टाइप से डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं। सबसे पहले क्या किए हैं कि चैनल का जो टाइटल्स है उसको डाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी मैं वीडियो में बताया हूँ यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से टाइप करके लिख दिया हूँ, देख रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि सोशल मीडिया का जो लिंक है उसको सबको लाइन से, लाइन बाई लाइन से एकदम सबको एक साथ लिख दिया हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि जो वीडियो का टैग्स है उसको टैग्स का नीचे कवर कर दिया हूँ। इस प्रकार से सिंपल प्रकार से दोस्तों मैं अपना डिस्क्रिप्शंस लिखा हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो बार मैं अपना चैनल्स का नाम लिख दिया हूँ, देख पा रहे होंगे आप नीचे। और उसके बाद दोस्तों इस टाइप से सिंपल तरीका से न्यू
यूट्यूब चैनल्स के लिए डिस्क्रिप्शन से लिखा जाता है, जो कि सिंपल है, आप भी लिख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, आशा करते हैं कि मेरे वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो मेरे वीडियो को करिए लाइक एंड मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। और दोस्त इस वीडियो में तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना ही पे वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस वीडियो को पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा।